चलिए फ्रेंड्स, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये हमारा आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कशन था मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बेटा फर्स्टली इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो कहीं भी माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए क्या सर मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमारे सिलेबस का पार्ट है। सो आंसर इज यस। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता, आपको असेट्स और लायबिलिटीज की फिगर दी होती हैं और कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। जैसे आपको लायबिलिटीज दे रखी होंगी, कैपिटल्स दे रखी होंगी और यहाँ पे असेट्स दे रखी होंगी, तो इन तीनों में से कोई एक आइटम मिसिंग होगी। और नॉर्मली जब तक हम 12th क्लास की बात करते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या मिसिंग होता है? असेट्स। लायबिलिटीज होंगी, कैपिटल्स गिवन होंगी, आपको ढूंढना है असेट्स। उसी को हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था इसके ऊपर, और आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फटाफट दोस्तों बुक ओपन कर लो, छोटा सा टॉपिक है, इसे खत्म करते हैं जल्दी से। जी मेरे पास बेवाल सर की बुक आ गई और हम चलते हैं सीधा आपके साथ। टॉपिक ये रहा आपकी बुक की अगर बात करें तो पेज नंबर 8.60 टॉपिक दिया है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो आप सबको भी करना है। चलिए जरा इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें दे रखी हैं। हम आपके साथ चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 पर। आओ मेरे साथ साथ पढ़ते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशो है 5:3:2। ऑन 31 मार्च ए की कैपिटल और बी की कैपिटल है 30,000 20,000। तो कैपिटल्स दे रखे हैं, ए की कैपिटल है 30,000 और बी की कैपिटल है 20,000। और आगे चलते हैं। बट सी ओड 5,000 टू द फर्म, इस लाइन को पढ़े, सी ओड 5,000 टू द फर्म। ओड का मतलब होता है देने हैं। सी को 5,000 फर्म को देने हैं, तो फर्म को पैसा मिलेगा, और अगर फर्म को पैसा मिलेगा तो फर्म के लिए हो गई असेट्स। तो आप असेट साइड में लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर थे। आगे क्या लिखा है? द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज दे रखे हैं 20,000 की, तो मैंने लिखा लायबिलिटीज हैं 20,000। तो इस पूरे क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, क्या नहीं गिवन? असेट्स नहीं गिवन। दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जरा एक बार टोटल करें, 70,000 आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा 70,000। और अब बताओ डिफरेंस कितना बचा? बस बेटा यही है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। 5,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना बचा? 65,000। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, आराम आराम से चलते हैं। आगे लिखा है आपकी जो असेट्स है जो अभी अभी आपने निकाली थी 65,000, उनको रियलाइज। रियलाइज का क्या मतलब होता है? बेटा एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए रियलाइज का क्या मतलब होता है। जल्दी जल्दी बताओ। रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड। आपने असेट्स सोल्ड करी हैं 50,000, तो आप अगर लॉजिकल बात करें तो 65,000 की असेट्स हैं जो आपने निकाली हैं और आपने उनको बेच दिया। मैं अभी ऐसे ही वर्किंग नोट में आपसे बात करता हूँ। बेच दिया 50,000, मुझे बताइए हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बेटा सोचो आप। आरती का आंसर आ गया। हमारा क्या हुआ? हमें लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 15,000। तो ये तो हमारा MCQ का आंसर है। बट मैं आपको चाहता हूँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 37। मैं आपके सामने फटाफट एक बार आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए मेरी सारे बच्चे हेल्प करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में। आंसर 15,000 आएगा, हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे हम। मैंने यहाँ पर लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी 20,000। कैपिटल्स जाते हैं कैपिटल अकाउंट, असेट यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। ये हमारी असेट्स हैं, असेट्स हमने निकाली हैं 65,000। और कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। अब इन असेट्स को हम बेचेंगे। रियलाइज्ड बेचने के तरीके होते हैं कैश अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ रियलाइज। कितने में बेच दिया मैंने? 50,000। मुझे बताइए लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं लिखा। बेटा क्या लायबिलिटी की पेमेंट करना जरूरी है? बोलो यस और नो। क्या लायबिलिटी की पेमेंट करना जरूरी है? सो आंसर इज यस। मैंने पेमेंट कर दी लायबिलिटी की 20,000 और क्वेश्चन हो गया खत्म। चेक करते हैं सर, हमारे पास इधर टोटल आ रहा है 85 और इधर लिखा हमने 85। 85 में से 50 और 20 70 माइनस करा तो डिफरेंस आया लॉस। 70 माइनस किया तो 15,000 का लॉस आ रहा है, जो आपने ऊपर बड़ी आसानी से निकाल लिया था। और लॉस पार्टनर्स बांट देंगे ABC। क्या रेशो थी उनकी? 5-3-2। 15,000 को बांटें, 15,000 को बांटेंगे तो ये आएगा, फिर आएगा 4,500 और ये आएगा 3,000। मैंने ये क्या करा? मैंने 15,000 को बांट दिया। 7 और 4 11 12 और 15 बेटा लॉस बांट दिया। बस पेपर में तो इतना ही निकालना था, बट हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको सिखाता हूँ कैपिटल अकाउंट। और मुझे जल्दी से बताइए, अभी तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? मैं कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ बेटा, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। एनी डाउट सो फार? 3 पार्टनर हैं कैपिटल अकाउंट, जल्दी जल्दी बताइए मुझे बेटा। रिप्लाई करो सारे बच्चे फटाफट, ABC जल्दी जल्दी बताएंगे। ABC डेबिट क्रेडिट जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंसेस, 2 पार्टनर हैं उनके बैलेंसेस इधर आएंगे। वाई बैलेंस BD, इसका बैलेंस है 30,000 और दूसरे वाले का बैलेंस था 20,000। मगर सर C कैपिटल इधर थी, तो इधर आ जाएगा क्रॉस में बैलेंस BD। C की कैपिटल कितनी थी? 5,000। तो पहले तो आपने बैलेंस उतार दिए। अब बात आती है लॉस की। लॉस को ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन लॉस। कितना कितना लॉस है? 7,500, 4,500, 3,000। क्वेश्चन हो गया खत्म बेटा, क्वेश्चन खत्म। जो डिफरेंस आएगा चेक करें, यहाँ पे टोटल आ रहा है 30,000। 30 में से 75 गए, इसका मतलब आप कैश में पे करोगे 22,500। इसका देखो 20,000, 20,000 में से 4,500 गए, तो इसको हम पे करेंगे 15,500। मगर C की कहानी कुछ और है। C का टोटल आ रहा है इधर 8,000, तो डिफरेंस इधर बचेगा। इसका मतलब C से हमें पैसा मिलेगा 8,000 रुपये। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल। और जल्दी से बताइए, क्या मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको समझ आई है? टॉपिक बताइए बेटा फटाफट। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, यस और नो। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल चलते हैं, थोड़े से और लेवल को इंक्रीज करते हैं आपके साथ। अब हम चल रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 39। बेटा सिंपल सिंपल सा टॉपिक ऐसे खत्म करते हैं और रिजोल्यूशन होपफुली कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में एंड कर दूंगा मैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 39। ABC स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2021 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट किया था और नीचे लिखा है 31 मार्च को द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। 1 साल के अंदर बिजनेस हो गया बंद। कैपिटल थी 1,80,60,000। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 433। फॉर द ईयर एंडिंग द फर्म इनकर्ड अ लॉस। बेटा इस साल फर्म को लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 50,000। ईच पार्टनर विड्रू, ड्रॉइंग्स करता है 10,000। जिस दिन फर्म बंद हुई क्रेडिटर्स दे रखे हैं 24,000 के, कैश दे रखा है 4,000 का और असेट रिलाइज बिकी है 3 लाख में, असेट सोल्ड हुई है 3 लाख में और क्रेडिटर को पे कर रहे हो आप 23,000 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बाकी कहानी खत्म। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो हम बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक करा अभी आपको समझ आ जाएगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट ये बनेगी एज एट किस दिन बिजनेस बंद हुआ है? 31 मार्च 2022। तो 22 को बिजनेस बंद हुआ है और यहाँ पर कैपिटल्स, जब बिजनेस बंद होता है तो कैपिटल्स होंगी, एक होगी ए की कैपिटल, दूसरी होगी बी की, तीसरी होगी सी की कैपिटल। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स, और क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दे रखे थे 24,000 24,000। कैश दे रखा है, आपके पास कैश भी है, कितने का कैश है? 4,000। अब दिक्कत यह है बस मुझे क्या निकालनी है? कैपिटल्स। और उसके लिए आपको एक सपोर्टिंग हेल्प दे रखी है, उन्होंने कहा आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021। ए ने, बी ने और सी ने, इन तीनों ने कितनी कितनी कैपिटल लगा रखी है? 1,80,000, 60,000, जिसको आप बच्चे कहते हैं दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। अब इस साल क्या हुआ? इस साल आपके बिजनेस में लॉस हुआ है और लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है 50,000। जल्दी से बताइए, लॉस से आपकी कैपिटल माइनस होगी या प्लस? बेटा लॉस से आपकी कैपिटल माइनस होगी या प्लस? माइनस, लॉस से माइनस होती है। और रेशो क्या थी? 4:3:3, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो 5,000, 20,000, 15,000। ये लॉस को बांटा है आपने, मैंने यहाँ लिख दिया लॉस माइनस। अब बताइए ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स भी माइनस होती हैं और ऐसे करते करते आप पहुंच जाओगे 31 मार्च को क्लोजिंग कैपिटल पे आ जाओगे। तो ड्राइंग्स भी फटाफट माइनस करते हैं। 10,000 की ड्राइंग्स है। तो अब आपको समझ आ गया सर कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा समझ आना चाहिए लॉस माइनस और ड्राइंग्स माइनस। और जल्दी से बताइए 1 लाख में से 30,000 गए तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 70,000। 80 में से 25 गए 55,000। 80 में से 50 55,000। 60,000 में से 20 गए 40,000 35,000। ये इनकी कौन सी कैपिटल आ गई? दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। खत्म। बेटा आंसर आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, कैश आ गया। जो बच गया वो क्या होता है? अदर असेट्स। करें जरा टोटल। 70,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 प्लस 24,000, ये आ गया 184। टोटल आ गया 184। और अब आप सबको पता चल गया है 184 में से 4,000 गए तो जल्दी से बताओ असेट्स कितने की बची? अदर असेट्स आ गई 1,80,000। और अब हमारी कहानी आगे स्टार्ट होगी। बस बेटा ये वर्किंग नोट का पार्ट है। अब तो आप जल्दी जल्दी क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। बताइए कैश कहाँ जाता है, कैश जाता है कैश अकाउंट में। अदर असेट्स कहाँ जाएंगी, क्रॉस में, रियलाइजेशन में आती हैं अदर असेट्स। 1,80,000। कैपिटल कहाँ जाता है, कैपिटल में, तो क्रेडिटर आ जाएंगे इधर क्रॉस में। क्रेडिटर्स हैं 24,000। खत्म। अब आप इनको सेल करोगे और क्रेडिटर को पे करोगे। क्वेश्चन में लिखा था असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड हुई हैं 3,00,000 में, और लायबिलिटी को आपने पे करा है, कितने में पे करा है, 23,500 इन फुल सेटलमेंट। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं प्रॉफिट आया या लॉस आया। यहाँ पे टोटल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब सर डिफरेंस आएगा इधर, एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। 3,24,000 में से 1,80 कितना आ रहा है, 1,80 गए तो 1,20, ये आएगा 1,20,500। दिस इज कॉल्ड आवर प्रॉफिट। बेटा ये है आपका क्वेश्चन। मुझे बताइए क्या आपको ये समझ आया है किस तरह से पेपर में क्वेश्चन करना है, यस और नो? बेटा फटाफट बताओ जल्दी जल्दी, यस और नो? मैं आपको ये भी बता देता हूं आपके लिए होमवर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 आपने होमवर्क में करना है, 40। बेटा जिस दिन बनती है समीक्षा आखिरी दिन बनती है 31 मार्च को, तो मुझे 31 मार्च की बैलेंस सीडी निकालनी पड़ेगी, इसलिए क्लोजिंग लेते हैं हम। अगर स्टार्टिंग में होता यही बिजनेस क्लोज हो जाता समीक्षा, अगर 1 अप्रैल को बिजनेस क्लोज होता तो मैं ओपनिंग कैपिटल ले लेता। रटना नहीं है, लॉजिक के साथ चलना है आपने जी। तो 43, 40 और उसके बाद 36 छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। 38 तो ये आपके लिए क्वेश्चन है मेमोरेंडम के ऊपर। अब मैं चलना चाहूंगा कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे। बेटा मुझे जल्दी से बताओ क्या हम आगे चल सकते हैं? बताइए आरती, अमन, अंशिका, अश्मित, इशिका, कशिश, क्यूकॉम, रिया, समीक्षा, शगुन, सौम्या, तन्वी। बेटा बहुत सारे बच्चे रेगुलर हो आप, बहुत अच्छा लगता है रेगुलर जो बच्चे हैं क्लासेस के अंदर। बेटा क्या हम आगे चले? यस। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, आपको जरा जर्नल एंट्रीज के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ डिसोल्यूशन चैप्टर, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और अगर जल्दी कवर हो गया तो डाउट सेशन भी लेंगे आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं एक बार देखता हूँ जरा डिसोल्यूशन के नोट्स कहाँ गए। मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करता हूँ और आप मेरे से जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करना जरा। मुझे आपको सिखाना है हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ एंट्रीज कैसे पास करी जाती है। आप इस एंगल से चलना, तो आपको एक मिनट में समझ आ जाएगा कि सर एंट्री कैसे करी जाती है। मुझे बस इतना बताइए, बैलेंस शीट में ये होती है लायबिलिटी साइड, ये होती है असेट साइड। बस आप छोटा सा काम कर दो, बाकी तो काम मैं कर दूंगा। आप इतना बता दो डेबिट साइड कौन सा होता है। बेटा बैलेंस शीट में डेबिट साइड कौन सी होती है, आप बस इतना बताएंगे डेबिट साइड कौन सी होती है। मैं वेट कर रहा हूँ। इशिका आई नो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, बट फिर भी मैंने अपनी क्लासेस में बोला था कि बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन सी होती है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है कि लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है और असेट साइड क्या होती है, डेबिट होती है। इस पंडे से चलना आपको एक मिनट में समझ आ जाएगा सर हम क्या कर रहे हैं। ये एक पार्टनर है, पार्टनर ने लोन दिया है 10,000 रुपए का। बस अभी आपको बहुत जल्दी से एंट्री समझ आ जाएगी। इधर हमारे पास पड़ा है कंप्यूटर 8,000 का। बस नीचे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा है पार्टनर लोन सेटल्ड बाय टेकिंग कंप्यूटर। ये कह रहे हैं, मीनिंग समझे आप सब बच्चे, कह रहे हैं पार्टनर लोन सेटल हो गया, यानी फुली सेटल हो गया। कैसे हो गया? बाय टेकिंग लोन। आप मुझे प्रैक्टिकली बताओ, मुझे 10,000 रुपये देने थे और वो मेरा कंप्यूटर उठा के ले गए और कह रहे हैं सेटल हो गए, खत्म। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? मैं आपसे चैप्टर की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली बताओ। एक पार्टनर को 10,000 देने थे, वो 8,000 का कंप्यूटर ले गया। प्रैक्टिकली बताइए क्या मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस? समीक्षा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल। आरती, सौम्या, बेटा किसी को देने थे 10,000, वो कंप्यूटर था 8,000 का, वो ले गया, तो साफ पता लग रहा है मुझे। रिया ध्यान से, बेटा 2,000 का प्रॉफिट हुआ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लॉस हुआ। बेटा ये तो साफ पता लग रहा है, देने थे 10,000 और वो लेके गया सिर्फ 8,000, फुली सेटल हो गया। इसका मतलब मेरा 2,000 का प्रॉफिट हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, नॉर्मल एंट्री। हम बात कर रहे हैं 11th क्लास की। बेटा 11th क्लास की एंट्री, पी का लोन अब खत्म हो गया। पी का लोन खत्म। पी का लोन क्या था? पी का लोन था क्रेडिट। अब खत्म करना है। खत्म कैसे किया जाता है, आप बस इतना बताइए खत्म कैसे किया जाता है। खत्म किया जाता है डेबिट करके, उल्टा करेंगे खत्म। मैं कहता हूं कंप्यूटर को खत्म करना है, कंप्यूटर डेबिट है, खत्म, ये ले गया। अब मैं कंप्यूटर को क्या करूंगा? मैं कंप्यूटर को करूंगा क्रेडिट। कितने का कंप्यूटर था? 8,000। अब आपको पता है डिफरेंस आ रहा है नीचे, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ये है आपका जर्नल एंट्री। बेटा पहले आराम से बेसिक जर्नल एंट्री समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलत नहीं होना चाहिए। ये थी एंट्री। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये एंट्री एकदम परफेक्ट है। अगर मैं आपसे बात करूं चैप्टर नंबर 8 की डिसोल्यूशन, आप मुझे बताओ क्या हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं डिसोल्यूशन में? बोलो यस और नो, क्या हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं? तो आंसर इज यस, आप लोन अकाउंट बनाते हो। मुझे बताओ क्या कंप्यूटर का हम अलग से अकाउंट बनाते हैं? कंप्यूटर का, बेटा कंप्यूटर का अकाउंट क्या अलग से बनाते हैं? आंसर इज नो। मैंने कहा था जिसका कोई नहीं होता उसका होता है रियलाइजेशन, तो जिसका अकाउंट नहीं बनाओगे वो कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन में। फिर कोशिश करते हैं, क्या प्रॉफिट आप अलग से अकाउंट बनाते हो प्रॉफिट का? नहीं, तो प्रॉफिट भी कहाँ चला गया? जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? रियलाइजेशन। तो एंट्री ये है, पता है क्या एंट्री है? मैं बोलता हूं फीस लोन अकाउंट डेबिट, इसको ज्वाइन कर दो टू रियलाइजेशन 10,000 रुपये। बेटा ये सबसे आसान तरीका है और कभी फेल नहीं होगा, 100% गारंटीड है। आपके पास जितने भी मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ये एंट्री तरीका फेल नहीं होगा। तो 10,000 पीज लोन टू रियलाइजेशन 10,000। बट अगर हम बात करें चैप्टर 4, 5, 6, 7, बेटा इंटेलिजेंट बच्चे बहुत ध्यान से समझो, इन चैप्टर्स के अंदर क्या हम बैलेंस शीट बनाते हैं? यस और नो? आंसर इज यस। और बैलेंस शीट के अंदर लोन भी आता है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर लोन भी आता है, लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन है? 10,000। क्या बैलेंस शीट में कंप्यूटर भी आता है? यस, बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटर भी आता है 8,000। बट प्रॉफिट की जगह बेटा बैलेंस शीट में प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट और लॉस आपको पता है किस अकाउंट में चले जाते हैं। इन चैप्टर्स में आप बनाते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर इन चैप्टर्स की बात होगी तो ये करेक्ट एंट्री है, प्रॉफिट कहाँ चला गया? रीवैल्यूएशन। और चैप्टर 8 की बात करोगे, चैप्टर 8 में ये अकाउंट नहीं बनते, इसलिए रियलाइजेशन में जाता है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेटा इस बात को बहुत ध्यान से समझना, और मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, फिर हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे। डोंट वरी, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं और आपको समझ आएगा। ये लो, मैं क्या चेंज करने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पे चेंज करा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बस ये पता होना चाहिए ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। आपको कंपैरिजन करना है। पहले पी का लोन लिखा था, उस लोन की जगह मैंने क्या लिख दिया? क्रेडिटर। मैंने बस हल्का सा चेंज करा है और कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर ही लिखा रहने दिया 8,000 का। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था पीज लोन सेटल बाय टेकिंग लोन, और अब मैंने लिख दिया कंप्यूटर टेकन बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। आपकी असेट कौन ले गया? क्रेडिटर ले गया। मैं आंसर याद करो, मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन में कभी भी क्रेडिटर असेट लेके जाते हैं तो हम एंट्री नहीं करते, नो एंट्री। आज आपको पता लग जाएगा क्या लॉजिक है सर इसके ऊपर, नो एंट्री। स्वर्ग मूवी, यस कशिश, नो एंट्री, वेरी गुड कशिश। मैं आपको करके दिखाता हूं सर ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला था। बेटा क्रेडिटर को खत्म करो, क्रेडिटर क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। कैसे खत्म करूं? खत्म करने का तरीका क्या है? क्रेडिटर को मैं क्या करूंगा? डेबिट। खत्म हो गए। कंप्यूटर को खत्म करो, कंप्यूटर डेबिट है। बेटा कंप्यूटर डेबिट है, इसे कैसे खत्म करूं? इसे करेंगे क्रेडिट। और जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हो रहा है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। ये रही एंट्री जो आपने पहले भी करी थी। बट अब मैं आपको बताता हूं चैप्टर 8 में क्या हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं? नहीं बनाते। तो क्रेडिटर की जगह हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। बेटा क्या कंप्यूटर अकाउंट बनाते हैं अलग से? नहीं। तो कंप्यूटर की जगह भी क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। क्या प्रॉफिट अलग से बनाते हैं? नहीं। उसकी जगह भी क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। और आप ध्यान से देखो, ऊपर भी रियलाइजेशन, नीचे भी रियलाइजेशन। इसका मतलब ये तो सब आपस में कट गया। हेंस क्या एंट्री होगी? नो एंट्री, कैंसल हो गया। वेरी गुड तन्वीर। तो मैं आपको लॉजिक बता रहा था कि सर क्यों होती है नो एंट्री, बिकॉज ये सब कट जाता है आपस। मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये बात आपको समझ आई है? यस और नो बताइए बेटा फटाफट। ये बहुत बेसिक फंडा है, कोई भी एंट्री बुक में किसी भी बुक से ले आओ, इस लॉजिक के साथ करेंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। और संडे आप सब बच्चों का टेस्ट है डिसोल्यूशन का बेटा, मॉर्निंग में होगा 11 o'clock। आप सब रेडी रहना और मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं जी। ये रहा वो क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी थी बच्चों को जब ये आया था एग्जाम के अंदर। 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, सर इसमें ऐसा क्या था? बेटा सब कुछ मिक्स होगा अश्मित, एमसीक्यू भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, जैसे बोर्ड का पैटर्न है वैसे ही होगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारी इलिस्ट्रेशन कौन सी हो गई, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 12। L एंड M आर पार्टनर्स, रेशो कितनी है 2:3। आगे चलते हैं, एक क्रेडिटर था 1,40,000 का बेटा, क्रेडिटर थे 1,40,000 के। उन्होंने बिल्डिंग ले ली 1,80,000। 1,40,000 के क्रेडिटर थे, बिल्डिंग ले गई 1,80,000 में, ज्यादा ले गए बेटा, ज्यादा ले गए, इसलिए उन्होंने कहा हम पे करेंगे फर्म को 40,000। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे 1,40,000 के, और जो हमारी बिल्डिंग थी हमारी 1,80,000 की। कहीं भी फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, तो एक तो वो बिल्डिंग ले गए, अब बिल्डिंग ज्यादा की थी इसलिए उन्होंने वापस करा हमें कैश, कितना कैश वापस करा 40,000। बेटा सोचो एंट्री क्या होगी हमारे पास, इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, मैंने अभी आपको बताया था। हमारे पास कैश आया है 40,000, बस कैश अकाउंट डेबिट 40,000 खत्म बेटा, कैश अकाउंट डेबिट 2। अब आपको पता है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्रेडिटर बिल्डिंग हम बनाते नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा ही क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये है इसकी एंट्री, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हम एक बार और चलते हैं, पहली ट्रांजैक्शन खत्म, सेकेंड ट्रांजेक्शन। कह रहे क्रेडिटर थे 30,000 के, मशीनरी ले गए 28,000 में, बट आगे क्या लिखा है फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट है तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, ना क्रेडिटर्स की ना मशीनरी की। मैंने ऊपर आपको प्रूफ करके दिखाया था, नो एंट्री। थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या लिखा है। थर्ड क्रेडिटर थे 70,000 के, 30,000 रुपये कैश लिया और इन्वेस्टमेंट ले ली 45 की फुल सेटलमेंट, तो 70,000 के हमारे पास क्या थे क्रेडिटर्स। उन्होंने हमसे 30,000 रुपये तो कैश लिया और साथ में इन्वेस्टमेंट भी ले ली। इन्वेस्टमेंट कितने की ले ली 45,000, तो इस चीज की तो कोई एंट्री नहीं होगी। आपको सिर्फ इस चीज की एंट्री करनी है कि आपने 30,000 रुपये पे करे, बस। कशिश का आंसर भी आ गया, बस बेटा पे करें तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। असेट और लायबिलिटी की एंट्री नहीं होती। 30,000 30,000। तो ये दोस्तों हमारा ये वाला भी टॉपिक खत्म। बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो आपकी ये चीजें खत्म हो गई हैं। नाउ इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपके डाउट्स हैं बेटा अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं